देखें अहले सुन्नत की सफ़ों में कुछ ऐसी काली भेड़े घुस आई हैं, कुछ ऐसे नासबी, कुछ ऐसे खारजी घुस आए हैं जिन्होंने सुन्नियत का लिबादा ओढ़ रखा है, सुन्नियत का लिबास जेब तन किया हुआ है, लेकिन अंदर वो खारजी और नासबी घुसे हुए हैं जो अहले बैत अतहार की अजमत को, इनकी अफजलियत को, इनकी फजीलत को, इनकी कदरो मंजिलत को, इनको मुकाम और मर्तबे को माजल्ला घटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और वो अहले बैत की अजमत, जो इनकी मवद्दत, जो इनकी अफजलियत कुरान और हदीस में बयान हुई है, उनको माजल्ला कम करने की नाकाम कोशिश में लगे हुए हैं, इस जसारत में लगे हुए हैं फकत इसलिए अहले तशय्यो की जिद में। मुझे मेरे एक दोस्त ने एक वीडियो भेजी है जिसमें एक अहले सुन्नत के जो खुद को बहुत बड़े अलामा, बहुत उनका एक नाम है अहले सुन्नत में, वो जो मुबाहला हुआ था इसका भी इनकार कर रहे हैं, कह रहे भाई इसमें कुछ नहीं है, ये है वो है, इफ बट अगर मगर। अल्लाह के बंदो, ये तो हम भी कहते हैं कि मुबाहला हुए ही नहीं, चूंकि जब ये पाक हस्तियां आई थी तो जो दूसरे लोग थे उन्होंने तो हाथ ऊपर कर लिए थे, सरेंडर कर लिया था, उन्होंने विदड्रॉ कर लिया था, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि आगे हस्तियां बहुत बड़ी हैं। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप ये जो चार नफूसे कुदसी हैं जिनको आका अलैहिस्सलाम अपने साथ मुबाहला में लेके गए हैं, आप उनका इनकार कर दें। आप पाक बीबी फातिमा तुज़हरा सलावातुल्लाह अलैहा का ये जो एक उनकी अजमत का, उनकी रिफत का, उनकी अफजलियत का ये जो एक गोशा है, ये जो एक रुख है, उसको आप मिनिमाइज करने की कोशिश करें। और आजकल इस तरह अहले सुन्नत का नाम लेने वाले उनको खिताब पे कहने के नारे लगाएं, ये मैं होने नहीं दूंगा। आप किस सुन्नियत की बात करते हैं, मुझे वो अपनी सुन्नियत को बताएं। क्या अहले बैत अतहार को हमने शियत के खाते में डाल दिया है? कुछ शर्म करें, कुछ हया करें। आज मैं बताना चाहता हूं, एक तो बीबी के मुकाम, आपकी अफजलियत, आपकी अजमत का यह गोशा बयान करना चाहता हूं, और दूसरा आयत मुबाहला की मैं आपके सामने शरा बयान करना चाहता हूं, इसकी तफसीर बयान करना चाहता हूं कुरान और हदीस की नस से। यह जो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 61 है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फकुल तआलो नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ऐ हबीबे मुकर्रम, ऐ रसूले मुहतशम, आप इनसे कह दें, आप इनसे फरमा दें, ये जो ईसाई आए हैं, ये जो अहले नजरान आए हैं, आप इनको कह दें कि हम अपने बेटों को बुलाते हैं और तुम अपने बेटों को बुला लो, हम अपनी औरतों को बुलाते हैं तुम अपनी औरतों को बुला लो, हम अपनी जानों को बुलाते हैं तुम अपनी जानों को बुला लो। और फिर क्या करते हैं कि हम फिर एक दूसरे पर ये मुबाहला करेंगे कि जो झूठे होंगे उन पर अल्लाह की लानत होगी। तो इस आया मुबारका के ज़ैल में बड़ी खास बात कहना चाहता हूं, ये मुबाहला का जो वाकया है ये हर बंदा जानता है इसके बारे में कि जब ईसाई आए थे नजरान से, वो 60 अफराद पे मुश्तमिल उनका एक वफद था जिसमें उनके 14 सरदार थे, बहुत बड़े बड़े, और उन्होंने आका अलैहिस्सलाम के साथ आके बहस की थी, यानी कि आका अलैहिस्सलाम के साथ बहस की थी, माज़ अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मनवाना चाह रहे थे, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि वो खुदा के बेटे नहीं बल्कि खुदा के नबी और रसूल हैं और खुदा के बंदे हैं, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 59 में भी ये मजमून बयान किया है। क्योंकि वो जो कह रहे थे कि वो बगैर बाप के वो पैदा हुए हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस दलील से उनका रद्द कर दिया, यानी उनके इस बातल नजरिया का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तरह रद्द कर दिया कि तुम इस बात पर दलील दे रहे हो कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है बगैर वालिद के पैदा हुए हैं, तो लिहाजा वो माज अल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस फितने का रद्द इस तरह भी किया कि बेशक इन्ना मासला ईसा इंदल्लाह का मासले आदमा, कि बेशक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के यहां आदम की तरह है, वो भी बगैर बाप के पैदा हुए थे, खालकहू मिन तुराबिन,
अल्लाह ने उनको मट्टी से पैदा किया था। सुम्मा काला लहू कुन फयकून, फिर उनको कहा था कि हो जा और वो हो गए थे। तो ये तुम जो दलील देते हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी इस दलील का रद्द कर दिया कि ये जो तुम दलील देते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम इसलिए अल्लाह के बेटे हैं कि वो बगैर बाप के पैदा हुए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम भी बगैर बाप के पैदा हुए थे, लिहाजा ये तुम्हारी कोई दलील नहीं है। अब मैं इसके ज़ैल में आपको चंद हवाले देना चाहता हूं ताकि पता चले कि यह आयते मुबाहला है क्या। जो हदीस आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं, इस हदीस को इमाम मुस्लिम अपनी सही में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 4 है और हदीस का नंबर है 2404। इसी हदीस को इमाम तिर्मिजी अपनी जामे में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर 2999 है। और इसी हदीस को वो अपनी हदीस का नंबर 3724 में भी लेके आए, इसी हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मुसनद में लेके आए, जिल्द नंबर 1 है, हदीस का नंबर 1608 है। इसी हदीस को इमाम नसाई अपनी सुननुल कुबरा में लेके आए हैं, जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर है 8399। इसी हदीस को इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लेके आए, जिल्द नंबर 3 है, हदीस का नंबर है 4719। इसी हदीस को इमाम बेहकी अपनी सुननुल कुबरा में लेके आए, जिल्द नंबर 7 है, हदीस का नंबर है 13170। तो इसी हदीस के ज़ैल में मैं इस आया मुबारका के ज़ैल में मैं चंद और हदीस देना चाहता हूं, जिसको मैं सबसे पहली जो रवायत आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं, जो इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है उसका कला कमा करना चाहता हूं। ये मेरे हाथ में जामे तिर्मिजी है, ये सऊदी अरब की दारुसलाम की और रियाज की छपी हुई किताब है अरबी टेक्स्ट की। जामे तिर्मिजी हमारी सियाह सित्ता की तीसरी सबसे बड़ी किताब है। ये सुन्नियत बता रहा हूं आपको, सुन्नियत पहुंचा रहा हूं, सुन्नियत समझा रहा हूं, सुन्नियत पढ़ा रहा हूं। और पाक बीबी फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा उनको खिताब पे कहने वालों को उनका जवाब दे रहा हूं, मुंह तोड़ जवाब दे रहा हूं कि किस सुन्नियत की बात करते हो। इसका सफा नंबर 674 है, हदीस का नंबर 2999 है, 2999। और सफा नंबर 275 तक ये हदीस जा रही है। सफा नंबर 674 का आखिरी हिस्सा है, आखिरी दो लाइनें हैं जिससे ये हदीस शुरू हो रही है। इस हदीस मुबारका को हजरत आमिर बिन साद रवायत कर रहे हैं अपने वालिद से। अन आमिर इब्ने साद इब्ने अबी वकास अन अबी हकाल लम्मा नाज़लत हाज़िहिल आया तआलू नदु अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम दार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीन व फातिमा व हसनन व हुसैनन फकाल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहली। हजरत आमिर बिन साद अपने वालिद साद बिन अबी वकास से रवायत करते हैं कि जब ये आयत मुबहला नाजल हुई तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला कायनात अली अल मुर्तजा अलैहिस सलाम आपको बुलाया, पाक बीबी फातिमा तो जहरा सलामुल्लाह अलैहा आपको बुलाया और हसनैन करीमैन को बुलाया और कहा मौला ये मेरी अहले बैत है। यानी इस हदीसे मुबारका से जो जामे तिर्मिजी की मैं दे रहा हूं आपको, इंटरनेशनल नंबर दे रहा हूं 2999 और ये सऊदी अरब की छपी हुई किताब दे रहा हूं, इससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। ये जो आयते मुबाहला है इसके जो मिसदाक हैं ये चार नफूसे कुदसी हैं जिनको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम साथ लेके गए। अब अगली हदीस देना चाहता हूं, ये जो मैं दूसरी किताब देना चाहता हूं सियासित्ता की, ये सियासित्ता की चोटी की किताब देना चाहता हूं सही मुस्लिम, ये सही मुस्लिम देना चाहता हूं मैं। और ये सियासित्ता की हमारी दूसरी सबसे बड़ी किताब, बल्कि बाज के हां तो ये सही बुखारी से भी इसका दर्जा बुलंद है। और इसका सफा नंबर देना चाहता हूं मैं 1059 है, 1059, और इसकी हदीस का नंबर है 2402। और जो चूंकि ये सिंगल वॉल्यूम होता है जो दारुसलाम का नुस्खा होता है और रियाज का सऊदी अरब का, और उसका हदीस का नंबर है 6220।
बड़ी तवील रवायत है, वही आमिर बिन साद से जो अपने वालिद से वो रवायत करते हैं कि लम्मा नादलत हाज़िहिल आया नदु अबना व अबनाकुम दार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली व फातिमा व हसन व हुसैन फकाल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहली। इसमें भी कहते हैं कि जब यह आया मुबारक नाजल हुई, ये सही मुस्लिम दे रहा हूं, चोटी की किताब अहले सुन्नत की, आका इस्लाम ने मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम को बुलाया, बीबी फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा को बुलाया, हसनैन करीमैन को बुलाया और कहा मौला ये मेरी अहले बैत हैं। गोया इस हदीस मुबारक से भी ये बात बिल्कुल वाज़े हो गई, क्लियर हो गई कि ये जो आयते मुबाहला है इसके जो मिस्दाक हैं ये चार नफूसे कुदसियां हैं। इसके अलावा भी मुस्तदरक हाकम में ये हदीस मौजूद है, मैंने आपको हवाले रेफरेंसेस पहले दे दिए हैं। अब जब उन्होंने इस बात का इनकार किया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चार नफूसे कुदसिया को लिया, यानी जब बेटों की बात की तो हसनैन करीमैन को आका अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे बना के साथ खड़ा कर दिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में उठा लिया, जरा मंजर देखें, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की उंगली पकड़ ली और पीछे पाक बीबी फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा अपनी पुश्त मुबारक के पीछे पाक बीबी को खड़ा कर लिया और मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम को पाक बीबी के पीछे खड़ा कर लिया, यानी इस तरह हिसार बन गए पाक बीबी का। ताजदारे कायनात ने एक पैगाम दे दिया कि ये वो कौसरे मुस्तफा है, ये वो मुनज्जा हस्ती है, ये वो तैयबा है, ये वो ताहिरा है, ये वो जय्यदा है, कि इस तरह हिसार बन गया ताकि जहां पाक बीबी के मुबारक कदम आते थे, जो निशान लगते थे पीछे से चलते हुए मौला अली अलैहिस्सलाम, आपके कदमों के जो निशान थे उसके ऊपर अपने कदम रख के उसको खत्म कर दिया करते थे, किसी को बतूल के मुबारक कदमों के निशान भी नजर ना आए। इतनी आला, अरे किस बात की लड़ाई है, किस बात के झगड़े हैं, कोई उनको गैर मसूमा कह रहा है, कोई उनको कह रहा है कि मसूम सिर्फ नबी होते हैं और उनकी जात पे बातें हो रही हैं, उनकी जात पे आजकल लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, जुबानें खोल रहे हैं, उनको खता पे कह रहे हैं, पाक बीबी की अजमत, उनकी रिफत, उनकी अफजलियत बयान करने का यह तरीका है जो कुछ नाम निहाद सुन्नियों ने इख्तियार किया हुआ है, जो पाक बीबी का अदब नहीं कर सकते, जो पाक बीबी की तजीम नहीं कर सकते, तकीर नहीं कर सकते, अदब नहीं कर सकते, एहतराम नहीं कर सकते, उनका सुन्नियत के साथ ना कोई ताल्लुक है, ना कोई वास्ता है, ना कोई लेना देना है। वो कल भी खारजी थे, आज भी खारजी हैं, वो कल भी नासबी थे, आज भी नासबी हैं, जिनको पाक बीबी की तहारत, उनकी अजमत, उनकी पकीजियत नजर नहीं आती। तो जब ये चार नफूसे कुदसिया को आका अलैहिस्सलाम ने बेटों की जगह हसनैन करीमैन और जानों की जगह मौलाए कायनात को खड़ा किया, अली मेरी जान है, और जब औरतें जमा का सीगा इस्तेमाल किया तो आका अलैहिस्सलाम को एक ही सच्ची नजर आई है कायनात में, फीमेल में, उनको साथ लिया। अब ये चार नफूसे कुदसिया हजूर अलैहिस्सलाम के साथ हैं, यानी टोटल पांच तन पाक हैं। अब जो मैं रवायत देना चाहता हूं, जिसको काजी सनाउला पानीपति अहले सुन्नत के चोटी के मुफस्सिर अपनी तफसीर मजरी में लेके हैं, जिसकी जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 60 और 61 है, 60 और 61। वो कहते हैं कि जब ये नफूसे कुदसिया तशरीफ ला रहे थे तो वो जो 60 ईसाइयों का वफद था, अहले नजरान जो थे, 14 जिनमें सरदार थे बड़े, तो उनका सबसे बड़ा सरदार बोला है, जिसका नाम भी इमाम इब्ने कसीर ने बयान किया है, उसका नाम आकिब और बड़ा मरूफ नाम था अब्दुल मसीह, उसने ऐलान किया जब ये नफूसे कुदसिया देखे तो वो कहता है या माशरन नसारा इन्नी ला अरा वजूहन लौ सअलुल्लाह ऐ युज़ीला जबल मकानहू लाज़ा लहू। वो कहता है ए अहले नसारा, ए नसरानियों, ए ईसाइयों, मैंने वो चेहरे देखे हैं, मैंने वो हस्तियां देख ली हैं, मैंने वो शख्सियात देख ली हैं, मैंने वो पर्सनैलिटीज देख ली हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम वो सच्चे देख लिए हैं, वो सच्ची देख ली है, वो सिद्दीकतुल कुबरा देख ली है, ये ऐसे सच्चे चेहरे हैं, ये ऐसे आला, ऐसे अरफा, ऐसे मुनज्जा और मुसफा, ये ज़वाते मुकद्दसा हैं, खुदा की कसम अगर अल्लाह की बारगाह में ये भी दुआ कर दे, इनकी दुआ से
पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाएं। ये तो ऐसे सच्चे हैं। अगर अपनी नस्लें बचाना चाहते हो, अपना नामो निशान बचाना चाहते हो, तो सरेंडर कर जाओ, विदड्रॉ कर लो, हार मान लो, सर चुका लो। कोया ईसाइयों को भी नजर आ गया कि ज़हरा आ गई है। अगर इन्होंने आमीन कह, चूंकि आका ने सलाम ने फरमाया था ना उनको, आका ने सलाम ने पाक बीबी को, हसनैन करीमैन को और मौला अली को, चारों को फरमाया था कि अब जब ये मुबाहला होगा, तो जब हम झूठों पे लानत करेंगे, तो आपने ए ज़हरा, ए हसन, ए हुसैन, ए अली, मैं दुआ करूंगा, तुमने पीछे से आमीन कहना है। ये काजी सनाउल्लाह पानीपति की तफसीर मजरी, अहले सुन्नत के चोटी के मुफस्सर, सुन्नियत बता रहा हूं, सुन्नियत पढ़ा रहा हूं, सुन्नियत दिखा रहा हूं। सुन्नियत के ठेकेदारों, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 60 और 61, हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, इजा दाऊ तोफाम मेनू, जब मैं ये दुआ करूं तो तुमने पीछे से आमीन कहना है। जब उनके लीडर ने ये चार सच्चे देखे और पांचवें ताजदारे कायनात, तो वो कहते हैं ना भाई, अगर इन्होंने आमीन कह दिया तो हम तो हलाक हो जाएंगे, हम तो तबाह हो जाएंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। लिहाजा वो सरेंडर कर गए, हाथ खड़े कर लिए। इसका मतलब है ईसाई होकर भी वो समझ गए कि ज़हरा को जुटलाना नहीं, ज़हरा बड़ी सच्ची है, ज़हरा सदीकतुल कुबरा है। ईसाई होके सरेंडर कर गए, सर झुका लिया, उन्होंने अपनी जात को बचा लिया, अपने वजूद को बचा लिया, अपनी नस्ल को बचा लिया, अपनी आल औलाद को बचा लिया, इलम को छोड़ दिया जो उनके पास था। नॉलेज पहले तो बड़ा फख्र करते थे, गरूर करते थे, और ये जो 14 सरदार थे ना, ये इमाम इब्ने कसीर ने उनके नाम भी बताए। जो सबसे बड़ा था मैंने बताया आकिब अब्दुल मसीह था, उसमें सैयद के नाम से थे, बाद में उन्होंने रजू कर लिया, मुसलमान भी हो गए थे। ईहम उसका नाम था, अबू हारसा बिन अलकमा था, जो बकर बिन वायल का भाई था, उसके अलावा अवैस बिन हारस था, उसके अलावा जैद था, कैस था, यजीद था, उसके दोनों बेटे थे, खुवैलद था, उमर था, खालिद था, अब्दुल्ला था, मोहसिन था। 14 ये सरदार थे उनके, 60 टोटल थे। उन्होंने कहा कि भाई हम तो तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, सामने ऐसे सच्चे आ गए। वहां जो इमाम फखरुद्दीन राजी ने भी इसको लिया है, और मैं बयान कर रहा हूं काजी सनाउल्लाह पानीपति की तफसीर मदरी, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 60 और 61। आका ने सलाम फरमाते, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन्नल अज़ाब कद तदल्ला अला अहले नजरान। हजूर फरमाते, कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मोहम्मद की जान है, अजाब अहले नजरान के बिल्कुल करीब आ चुका था। वो अजाब की नजर होने वाले थे, तबाह होने वाले थे, बर्बाद होने वाले थे, अगर वो सरेंडर ना करते, अगर फातिमतुज़्ज़हरा सलावातुल्लाह अलैहा के सामने सर न झुका लेते, सिद्दीकतुल कुबरा ना मान लेते, हसनैन त्रिमैन अली के सामने अपना सर खम न कर लेते, तस्लीम ना कर लेते, तो करीब था कि अल्लाह उनको तबाह कर देता, बर्बाद कर देता। मौलवी जी, मुफ्ती जी, अलामा जी, पता चला ज़हरा की जात इतनी आला जात है, इतनी अरफा जात है कि खुदा अपनी तौहीद की गवाही के लिए ज़हरा का इंतखाब कर रहे हैं ख़वातीन में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपनी तौहीद की गवाही के लिए ज़हरा से सच्ची कायनात में कोई और औरत नजर नहीं आई। ये सदीकतुल कुबरा है। पता चला जिनको अल्लाह अपनी जात के लिए, अपनी तौहीद की गवाही के लिए जिन सच्चों को चुन ले, फिर ऐसे सच्चों को खता पे नहीं कहते, ऐसे सच्चों को जुटलाते नहीं है, उनकी तलकीस नहीं करते, उनकी गुस्ताखी नहीं करते, उनकी बेअदबी नहीं करते, बल्कि उनके आगे सर झुकाते हैं, उनकी अजमत बयान करते हैं, उनकी रिफत बयान करते हैं, उनकी फजीलत बयान करते हैं। किसने आपको सुन्नियत का ठेकेदार बना दिया? फिर मेरे आका फरमाते हैं अजाब उनके करीब आ चुका था, अगर वो मुबाहला कर लेते, वलो तला आनू लमोसे हू की रदा तम व खना जीरा। आका ने सलाम फरमाते, अगर वो मुबाहला कर लेते तो अल्लाह ताला उनके चेहरे मसक कर देता, लमोसे हू उनके चेहरे मसक कर देता, की रदा तम व खना जीरा और उनके चेहरे बंदर और सुअर की तरह कर देता, खंजीर की तरह कर देता, उनको बंदर बना देता, उनको खंजीर बना देता, उनके चेहरे मसक कर देता। वलत तारम अलैहिमुल वादी नारा, और ये जो वादी है जिस वादी में, जिस बस्ती में वो रहते हैं, उस वो आग से अल्लाह भर देता। अल्लाहु अकबर,
आग से भर देता, हर तरफ आग ही आग होती। वलस्तसलुल्लाह नजराना व अहलहू, और अल्लाह अहले नजरान को, उनकी आल को, औलाद को, उनको नेस्त व नबूद कर देता, उनको जड़ से खत्म कर देता, उनकी नस्लें खत्म कर देता, उनकी आल औलाद ही खत्म कर देता। हत्तत्तैर अला शजरे, यहां तक कि अल्लाह इतना गजबनाक हो जाता, अल्लाह का अजाब इतना शदीद होता अगर वो जहरा को जुटला देते, कि यहां तक के दरख्तों पे बैठे हुए परिंदे भी हलाक हो जाते, तबाह हो जाते, बर्बाद हो जाते। वमा हालल हौलु अलन नसारा कुल्लहिम हत्ता हालकु, और एक साल के अंदर अंदर सारे नसरानी सारे ईसाई हलाक हो जाते, तबाह हो जाते, बर्बाद हो जाते। ये आका अलैहि सलाम फरमा रहे हैं, आपने इतना इजी ले लिया पाक बीबी फातिमा तू जहरा को, मौलवी जी मेरे आका बता रहे हैं कि जहरा को जुटलाना इतना आसान नहीं है। अगर ये जहरा को जुटला देते, ये पांच नफूसे कुदसिया को जुटला देते, हलाक हो जाते, तबाह हो जाते, बर्बाद हो जाते, हर तरफ आग ही आग होती, इनकी नस्लें खत्म हो जाती, इनकी दुनिया में आल न रहती, औलाद न रहती, इनका निशान मिट जाता, और अल्लाह इतने गुस्से में आ जाता कि दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे भी हलाक हो जाते, तबाह हो जाते, बर्बाद हो जाते। और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो रवायत लेके आए हैं, जिसको इमादुद्दीन इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर इब्ने कसीर में जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 370 में लिया है, वो कहते हैं लराजू ला यजदून मालम वला अहलम, अगर वो इनसे मुबहला कर लेते, इनको जुटला देते, तो वो नसरानी ना पलट के अपना माल बचा के ले जाते, ना अपने घर वालों की तरफ लौटते, यानी वो हलाक हो जाते, तबाह हो जाते, बर्बाद हो जाते, उनका नामो निशान बाकी ना रहता। मैं एक नुक्ता देना चाहता हूं, पाक बीबी जहरा को जुटलाने के लिए वो 60 लोग आए थे, वो 60 पादरी आए थे, लेकिन उन्होंने पाक बीबी को देखा तो सर तस्लीमे खम कर लिया, बल्कि कुछ रवायात में आता है कि हाथ जोड़ के नजराने पेश किए, कहा नहीं इतने सच्चे, इन्होंने आमीन कह दी तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे। मौलवी जी मैं एक बात कहता हूं कि हमेशा पाक बीबी को जुटलाने के लिए पादरी आए हैं, लेकिन उन पादरियों में और आजकल के जो नाम निहाद पादरी मुल्ला मलवाने जो पादरियों के रूप में बड़े जुब्बे कुब्बे पहन के जहरा को खताब पे कह रहे हैं, पाक बीबी को जो जुटला रहे हैं, उन पादरियों में और इन पादरियों में फर्क यह है कि उन्होंने जहरा को देख के सर झुका लिए थे, जहरा की सदाकत की गवाही दे दी थी, और आजकल के नाम निहाद 100 कार्ड मुल्ला मलवाने पादरियों के बेस में इस तरह हुरिया बनाया हुआ है, ये बीबी को जुटला रहे हैं, खता पे कह रहे हैं अभी वक्त है तौबा कर लो, वरना मेरे आका ने जो बात फरमाई थी, हदीस फरमाई थी, जो जहरा को जुटलाएंगे उनकी शक्लें बिगड़ जाएंगी, अल्लाह उनको तबाह करेगा, अल्लाह उनको बर्बाद कर देगा, नेस्त व नबूद कर देगा, उनका नाम बाकी नहीं रहेगा मुआशरे में, सोसाइटी में उनको इस तरह की जिल्लत देगा, सारी कायनात देखेगी, शक्लें बिगड़ जाएंगी। आज भी वही हदीस का इतलाक होता है, आज जो पाक बीबी फातिमा तु जहरा को जुटलाएगा, जो पाक बीबी फातिमा तु जहरा की बेअदबी करेगा, गुस्ताखी करेगा, उनको सदीकतुल कुबरा नहीं मानेगा, उनके फहम को, अदराक को, नालच को, इल्म को माजल्ला कम कहेगा, उनमें नकायस तलाश करेगा, वो भी बाकी नहीं रहेगा, मिट जाएगा, दुनिया उसका अंजाम देखेगी। अभी वक्त है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी बाजियों, पाक बीबी फातिमा तो जहरा के दर की बांदियां बन जाओ, इस घर की नौकरानियां बन जाओ, इस घर में चुक जाओ। फातिमा तो जहरा जैसी सच्ची कायनात में कोई नहीं है, बतूलता भी सच्ची थी, बतूल आज भी सच्ची है, बतूल कल भी सच्ची है, कि अल्लाह ने सिर्फ आयते मुबाहला इसकी तशरीह के लिए इन पांच सच्चों को चुना, कि जहरा सिर्फ उस वक्त सच्ची थी जब वो आयते मुबाहला में नसरानियों के सामने गई थी सच्ची बन के, क्या वो एक घंटे के लिए सच्ची थी, दो घंटों के लिए सच्ची थी, एक दिन के लिए, एक पहर के लिए सच्ची थी, मुझे बताओ, नहीं, वो तब भी सच्ची थी, वो आज भी सच्ची है, वो कल भी सच्ची है, वो परमानेंट सच्ची है, वो सिद्दीकतुल कुबरा है। अल्लाह तबारक व तआला
हमको पाक बीबी की सच्ची और सुची तजीम अता फरमाए, इस घर की नौकरी अता करे, इस घर की चाकरी अता करे, इस घर में आंसू बहाना, इस घर में अपने आंसुओं के नजराने पेश करने की तौफीक दे। अगर इस घर में कोई बेअदबी हो जाए, कोई गुस्ताखी हो जाए, कोई जुसारत हो जाए, ऐसे कलमे मुंह से निकल जाए, अल्लाह ताला माफ करे, पकड़ ना करे, क्योंकि ये वो बारगाह है, इस बारगाह में आके खताएं माफ होती हैं, इस बारगाह में आके गुनाह माफ होते हैं। जन्नत इनकी है, अल्लाह इनका है, रसूल इनका है, कुरान के ये वारिस हैं, दीन के ये वारिस हैं, सारी कायनात के ये वारिस हैं। अल्लाह ताला हमको इनकी गुलामी अता करे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।